हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको होम चेस्ट वर्कआउट करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सारे जिम्स बंद हैं और वर्कआउट करने का कुछ भी उपाय नहीं है, तो होम वर्कआउट इज़ बेस्ट। हम लोग अभी घर पर ही वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। तो आज मैं आपको कुछ सिंपल होम चेस्ट वर्कआउट दिखाऊँगा विथ बॉडी वेट एक्सरसाइज। कोई डंबल जोत नहीं, कोई ब्रिक्स जोत नहीं, कुछ नहीं, बस इसी से आप अपना चेस्ट को बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको एडवांस वर्कआउट नहीं दिखाऊंगा, सिंपल एक्सरसाइजेस है जो आप सभी कर सकते हो, उसको आप फॉलो करना, देखिएगा आपका चेस्ट बिल्ड होगा। एंड जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं मोस्टली वो बिगनर्स हैं एंड वो उतना ज़्यादा एडवांस वर्कआउट्स नहीं कर पाएंगे, तो मैं उन सारी चीज़ों को आपको नहीं दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे नॉर्मल पुशअप्स, ठीक है। बस इतना आपको डिस्टेंस लेना दोनों हाथ के बीच में और लगाना है। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सेम पुशअप पोजीशन में आना है, स्लोली होल्ड अप, स्लोली होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप। इसमें हम लोग स्लोली लगाए, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। डीप ब्रीथ लेना है, उसके बाद आपको थोड़ा फास्ट लगाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हैंड का डिस्टेंस में थोड़ा ज़्यादा लेना है, थोड़ा से ज़्यादा, ठीक है। अब आपको लगाना पुशअप्स, बहुत अभी फास्ट लगाइए, नॉर्मल और पूरा डाउन जाएगा। और आप थोड़ा सा रेस्ट लेना है। इससे पहले जो मैंने लगाया था सेट, उसे मैंने ज़्यादा वाइड नहीं लिया था, इसमें हम लोग ने थोड़ा ज़्यादा वाइड लिया। और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, वाइड हैंड को थोड़ा ज़्यादा वाइड रखना है और आपको स्लो लगाना है। मेन कंसेप्ट यहाँ कि आपको स्लो लगाना है, फास्ट नहीं लगाना है। तो क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, होल्ड स्लो, स्लोली अप, नीचे जाएंगे, होल्ड स्लोली अप, फास्ट बॉडी को नहीं उठाना है, होल्ड अप, होल्ड अप। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को फास्ट लगाना है। तो थोड़ा रेस्ट ले ले, थोड़ा डीप ब्रीथ करो। इससे क्या होगा, आपके सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे आपको वर्कआउट करने में ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। तो हम लोग जैसे अभी फील्ड में कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोगों के पास उतना सोर्स नहीं, तो क्या करना, हम लोग को अपने बॉडी वेट को जितने तरीके से हो सके यूज करना है, अलग अलग स्टांस से, अलग अलग एंगल से अपने मसल्स को हिट करना है। अब क्या करेंगे, फास्ट लगाना है, हाथ को थोड़ा वाइड रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका चेस्ट बड़ा होगा, बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, आपको देख के लग रहा होगा इजी है। तो इसका आपको 3 सेट लगाना है। और क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि सेट्स के बीच में ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है। पहले नॉर्मल लगाइए, उसके बाद स्लो लगाना है, उसके बाद फास्ट लगाना है। इससे क्या होगा, आपका चेस्ट बड़ा होगा। इसके बाद हम लोग जो वर्कआउट करने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको नॉर्मल डिस्टेंस में दोनों हाथ को रखना है, ठीक है, और एक पैर ऊपर अप, इससे आपको चेस्ट बहुत अच्छा प्रेशर फील होगा, बहुत बढ़िया, वाह, देख रहे ना आप, ऐसे आपको करना है। फिर ऑपोजिट लेग में, आ,
वो इसी तरीके से आपको लगाना है। और मैं आपको कुछ वर्कआउट्स बताता हूँ जो आपको करना है घर पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्कआउट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हैंड का डिस्टेंस को क्लोज रखेंगे, फिर होल्ड अप, 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 आपको इसी तरीके से लगाना है। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप जब भी ये सेट्स लगा रहे हैं, सेट्स के बीच में आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है, आपको वर्कआउट इंटेंसिटी को हाई रखना है। वर्कआउट इंटेंसिटी यदि आपका हाई नहीं रहेगा, आपका मसल्स बिल्ड नहीं होगा, बिकॉज आप बॉडी वेट से वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है, इससे क्या होगा, मोमेंटम बिगड़ जाएगा। भले 20 मिनट करो लेकिन तगड़ा वर्कआउट करो, रेस्ट ज़्यादा मत दो, उससे आपका मसल्स में ग्रोथ आएगा।